बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घर में बना हुआ एलोवेरा जेल, जिसे आप महीनों तक यानी एक साल तक सेफ रख सकते हैं। एलोवेरा जेल स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपको या बालों की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उन सब में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एलोवेरा लीफ लिया है, बिल्कुल फ्रेश लिया है। जब मैंने एलोवेरा तोड़ा था तो मैंने इसे 1 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल स्टैंड करके रख दिया था, ताकि इसमें से सारा येलो पानी निकल जाए। तो स्किन को इरिटेट करता है और बालों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। हम नीचे से 1 इंच का टुकड़ा काट लेंगे, इस टुकड़े को वेस्ट कर देंगे, बाकी पूरा एलोवेरा हमारा काम का है। ये देखें कितना बिल्कुल साफ़ सुथरा है, वाइट पार्ट है। अब हम इसको पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे और इसके साइड में ये जो नोकीले हिस्से हैं इनको भी रिमूव करेंगे और स्किन भी इसकी रिमूव कर देंगे, ताकि अंदर का हम सारा गूदा निकाल सकें। ये देखें हम पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी स्किन बर्न हो जाए या आप जल जाएं तो ये बहुत ज़्यादा कारामत होता है कि आप फ़ौरन जले हुए पे इसे लगाएं, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। घर में ज़रूर मौजूद होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें सबसे पहले हम यहाँ के पार्ट काट लेंगे, फिर ऊपर से हम इसकी सब स्किन रिमूव कर लेंगे, ध्यान से करेंगे। ये स्किन भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें से भी हम छुरी से अच्छी तरह से सारा एलोवेरा निकाल लेंगे। काफ़ी बड़ा एलोवेरा मैंने लिया है, अगर आपके पास इतना बड़ा ना हो तो आप 2 ले लें 3 ले लें, जितने भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें, इसको सेव करके रख लें। ये देखें कितने बड़े बड़े टुकड़े हैं। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसके अंदर सब ऐड कर देंगे और इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, 2 से 3 बार मशीन को चलाएँगे बस और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें हम मिक्सी जार में ऐड कर रहे हैं। स्किन के लिए ये बहुत मुफीद होता है और बालों के लिए भी। आपको बालों का कोई भी इशू हो, आपके डैंड्रफ का मसला हो या आपके हेयर फॉल बहुत होते हों या आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं है, हर चीज़ में एलोवेरा बहुत काम आता है। और अगर आपको स्किन का मसला हो, स्किन पे पिम्पल्स होते हों या एक्नी हो या आपको स्किन के कोई भी इशू हो, आपके एंटी एजिंग भी होता है, अगर आपके रिंकल्स पड़ते हों, एजिंग की वजह से रिंकल्स पड़ते हैं, आप एलोवेरा यूज़ करेंगे आपको बहुत ज़्यादा आराम आएगा। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है, एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम आइस क्यूब में इसे ऐड कर देंगे। ये जो क्यूब ट्रे सबके घर में मौजूद होती है, इसमें इसको हम डाल लेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे। अगर हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये 4 से 5 दिन तक सही रहता है, पर अगर हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो हम इसे महीनों तक सेव कर सकते हैं। जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप इसको निकाल करके 1 घंटा 2 घंटा फ्लोर पे रख दें, फ्लोर टॉप पे रख दें, और फिर ये वापस जेल बन जाएगा। तो फिर आपको फेस पर यूज़ करना है, बालों में यूज़ करना है, जहाँ भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। जिन्हें डैंड्रफ का मसला हो वो फ्रेश लेमन जूस 1 टीस्पून ऐड करें और फिर अप्लाई करें। 1 हफ्ते में 2 बार अप्लाई करेंगे, आपके सारे डैंड्रफ इशू ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपको फेस का कोई भी मसला है तो आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ईवियन नाम के कैप्सूल आते हैं, वो आप 2 इसमें ऐड करें। आप बालों में भी यूज़ करें, बालों के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं और फेस के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आप सर्च कर लीजिएगा, फिर ऐड कर लीजिएगा। ये जो एलोवेरा की स्किन हमने रखी थी, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, हाथों पैरों पे अच्छी तरीके से मसाज कर लेंगे। सर्दियाँ हैं आजकल, सर्दियों में इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा कर देता है ये स्किन को, बहुत प्यारी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है स्किन। और असली की बात असली ही होती है, आपको बाहर से भी ये मिल जाता है पर जो फ्रेश की बात है वो फ्रेश ही होती है। आप देखें कितना अच्छा थिक सा हमारा एलोवेरा जेल बन के रेडी हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।